नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। इस वीडियो में क्लेम का एक प्रयोग आपसे बताने जा रहा हूं। जिन लोगों ने क्लेम की दीक्षा ली हुई है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं लगातार दीक्षा लेकर के, वो इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। विशेषकर बीमारियों के लिए इसे हम प्रयोग में लाते हैं। जिस घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, ज़्यादा बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम किस प्रकार इसका प्रयोग करें, वो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप 5 या 7 पीपल के पत्ते ले लीजिए और वो पत्ते आप पीपल के वृक्ष से शाम को तोड़ लाएं। ये काम आप शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। 21 दिन का काम है ये। पीपल के पत्ते ले आइए 5 या 7, घर ला के रख लीजिए और सरसों के तेल का दीपक जलाएं मंदिर में और उसमें आप 7 माला या 11 माला क्लेम मंत्र की करें। और क्लेम मंत्र करने के बाद जो सरसों के तेल का दीपक जो जला हुआ है, उस सरसों के तेल के दीपक की लौ के ऊपर एक कोई बर्तन या प्लेट ऐसे रख करके उसका काजल ले लें। उस काजल से पीपल के पत्तों पर बिंदी लगा दें, एक टिपकी लगा दें सब पर, और उससे उन पत्तों को आप जो मरीज है उसके सिरहाने रख दीजिए सोते समय। सुबह उनको उठा लीजिए और सिरहाने रखते समय उन पत्तों पर 21 बार क्लेम मंत्र आप बोल दीजिए। माँ भगवती का स्मरण करके 21 बार क्लेम बोल दीजिए, पत्तों को भी सिरहाने रख दीजिए और सुबह उनको उठा दीजिए। सुबह उठा करके उन पत्तों को एक जगह एकत्रित कर लें। इस प्रकार ये 21 दिन आपको करना है। अंत में उन पत्तों को आप जला दीजिए, उस राख को प्रवाहित कर दें, कुछ भी कर दें। आपको निश्चित रूप से बीमारी में एक परिवर्तन दिखाई देगा, मरीज ठीक होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। देखिए, ये सब चीज़ें आस्था का विषय हैं, ये सब चीज़ें विश्वास के विषय हैं। जो लोग क्लेम मंत्र दीक्षा लेकर के निरंतर कर रहे हैं, वो इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं, इस प्रयोग को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर के 21 दिनों तक आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। अपने कमेंट मुझे भेजते रहिए, लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे पुनः। नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रांजल, अब काटने वाला काम कर दिया तुमने इसमें? कोई बात नहीं, बात तो कुछ नहीं है। तो पापा, 3 मास्टर तो वैसे लेना पड़ता है उसको।